अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रोजनगर। मैं हूं अहसन अमीन राजा और मैं हूं मारिया खटक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, जलालपुर भटिया में कुएं में पानी की मोटर लगाते हुए मिट्टी का तोता गिरने से दो अफराद दबकर जान बहक हो गए। जलालपुर भटिया के नवाई गांव मेरठ में हसनैन अली और फयाज अली 20 फीट गहरे कुएं में पानी की मोटर लगा रहे थे कि अचानक ऊपर से मिट्टी के तोता गिरने से वो मिट्टी तले दब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और इमदादी काम शुरू किया। 3 घंटे के बाद दोनों मिट्टी तले दबे अफराद को निकाल लिया गया, जो जहां बाक हो चुके थे। हसनैन अली रिसालपुर थाड़ का रहने वाला था और मिस्त्रियों का काम करता था, और फयाज अली इसी गाँव का रहने वाला था। रेस्क्यू टीम ने कागजी कार्रवाई के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं जुड़ावाला से, जहां पानी के तनाजे पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहां बाग, दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। थाना सिटी की हदूद चेक नंबर 55 गाव बे में पानी के तनाजे पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाम बहक, दो जख्मी हो गए। मोहम्मद शरीफ वगैरह का आसिफ और नासिर वगैरह में पानी का तनाजा हुआ था, जिसके नतीजे में आसिफ और नासिर ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें मोहम्मद शरीफ और खालिद शदीद जख्मी हो गए, जबकि मोहम्मद तारिक जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू 112 और थाना सदर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और जाम बहक शख्स को तहसील हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। थाना सदर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोट राधा किशन के रोसा भैर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम भाग, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। डेड बॉडी और जख्मी शख्स को मुकामी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। जहां भाग होने वाले शख्स सिंध का रिहायशी बताया जा रहा है, जो कि भट्टे पर मजदूरी करता था। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुकामी अफराद का कहना है के रोड पर ड्राइवरों की गफलत, लापरवाही और इसके अलावा ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालों की वजह हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। और सर्कल डस्का में डकैतियों की वारदातों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। डस्का के नवाई गांव में डाकू 3 जिम्मेदार भाइयों के घर से 71 तोले तलाई जेवर और 18 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए। रिपोर्ट करेंगे राणा मोहम्मद अफजल। सर्कल डस्का में डकैतियों की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। डस्का के नवाही गांव बद्दो की चीमा घर में डकैती की बड़ी वारदात। डकैती के दौरान मसल्ला डाकुओं ने खवातीन और बच्चों समेत अहले खाना को यर्गमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। अलीट फोर्स पुलिस की वर्दियां पहने 13 डाकुओं ने 3 सगे भाइयों को नजायज असलहा चेक करने के बहाने काबू करके मशके बांधकर वारदात कर डाली। डाकू जिमीदार जुल्फकार इफ्तखार और जवेद के घरों से 71 तोले तलाई जेवरात और 18 लाख नकदी लूटकर आसानी से फरार हो गए। उन्होंने रोज न्यूज को बताते हुए कहा कि 13 बंदे इकट्ठे हमला किया था, अभी जनाब पुलिस के बंदे हैं, थोड़े को नजायज असला, तुम शराब काट दो, इंज कर दो, सानू तलाशी दो। जो घर में सानू टोर आते, साड़ियाँ बाहां बन लई, बन के आके घर सानू डक लिया कमरे च, मेरे भाई वड्डे ने भी आके डक लिया, सारे बच्चियां बच्चे सारे उन्होंने डक लेने। उस तो बाद 71 तोले जेवर सी साडा 18 लाख रुपया। दुराने डकैती डाकू ने 10 साल मासूम बच्चे को चारपाई के साथ बांधे रखा। काबले जिक्र अमर यह है कि बरवकत तला होने के बावजूद पुलिस डकैती के 1 घंटे बाद तक जाए वारदात पर ना पहुंच सकी। 15 से कॉल की थी, घंटे बाद पुलिस आई थी। सर्कल डस्का में आए रोज राहजनी डकैतियां होना मामूल बन गया है, मगर पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ्फुज़ की बजाय खाबे खरगोश के मजे लेने में दिखाई देती है। राणा मोहम्मद अफजल, रोज न्यूज, डस्का। राजपुर की तहसील जामपुर में मामूली तकरार पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल करने वाला सफाक कातिल धर लिया गया। मोहम्मद अहमद और मोहम्मद आसिफ मोटरसाइकिल पर सवार थे, जामपुर सिटी शेरू चौक पर पहुंचे, जहां एक नामालूम शख्स से गाली गलौच और तकरार हुई, जिस पर मुलजिम की जानिब से पिस्टल से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स कत्ल जबकि एक शख्स मोहम्मद अहमद जख्मी हो गया। वाकई की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस थाना सिटी जामपुर ने वको पर पहुंचते ही कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजरूब मोहम्मद अहमद को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO राजनपुर फैसल गुलजार का वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका SDPO और SHO को मुलजमान को तलाश करके फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे। पुलिस जामपुर की काविशों से मुलजम को 24 घंटे के अंदर धर लिया गया। इस मौके पर DPO राजनपुर फैसल गुलजार का कहना था कि किसी को भी कानून हाथ में लेकर अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई कानून से बालातर नहीं है, ऐसे अनासर को कानून के घेरे में लाकर आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि माघा मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक मशकूक कार से 50 किलो अफियोन के पैक पुलिस ने बरामद कर लिए। एएसपी सर्कल रायमंड हसीब जावेद मेमन की निगरानी में एसएचओ मांगा मंडी राणा मुजाहिद ने दौरान पेट्रोलिंग मशकूक कार सवार दो अफराद को रोकने की कोशिश की और कार सवार ने रोकने की बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस पार्टी ने हालात मशकूक जानकर नामालूम मंशियात फरोशों का पीछा किया, मगर नामालूम अफराद का कार को छातमोली गांव के करीब छोड़कर अंधेरे का फायरिंग उठाते हुए मौके से फरार हो गए। कार की तलाशी लेने पर कार से तकरीबन 50 किलो के पैक अफ्यून और शराब की बोतलें बरामद हुई। ताहम मांगा मंडी पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि दूसरी तरफ मांगा मंडी पुलिस ने मिलने वाली मशकूक कार की रजिस्ट्रेशन की मदद से कार के असल मालिक का पता चलाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर तफ्तीश की मदद से मुख्तलिफ पहलुओं का आगाज कर दिया है। पाकपतन में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस हवलदार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे, चेक 159 EBRF वाला के करीब मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोका। मसला मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस जवानों पर फायरिंग कर दी। जख्मी एहलकार शोएब साकिब को तश्वीशनाक हालत के पेश नजर आरिफ वाला साहिबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कनकोट में पुलिस मोबाइल पर नामालूम मसल्ला अफराद का हमला, फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि तीन जख्मी हो गए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर में अदा की गई। इंडस हाईवे सिंधु डोरो के मकाम पर गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार सजाद खासखेली मौके पर शहीद हो गए जबकि तीन एहलकार जख्मी हो गए। वाकये की इतला पर पुलिस ने पहुंचकर जख्मी और शहीद एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में RPO सखर, DIG लड़काना और SSP कंदकोट रेंजर्स के अफसरान समेत शहरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। सरगोधा की तहसील गोड मोहम्मद के इलाके हुजन के मकीनों ने RPO ऑफिस के सामने एहतजाज किया। शुरका का कहना था कि हुजन में भद्दाखोरी बंद कराई जाए। तफसीलात सरगोधा से जाहिद मकबूल की इस रिपोर्ट में। सरगोधा की तहसील गोड मोहम्मद के इलाका हुजन की सिविल सोसाइटी ताजर और शहरियों की बड़ी तादाद एहतजाज करते सरगोधा RPO ऑफिस के सामने पहुंच गई। इस एहतजाज में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर गुंडा गर्दी बंद कराई जाए, हुजन में भत्ताखोरी को फुल फोर रोका जाए। शुरका का कहना था कि हमसे अब तक 10 करोड़ रुपए का भत्ता वसूल किया जा चुका है, भत्ता न देने पर दर्जों दुकानें भी जला दी गयी और मुतअद्दिद अफराद जख्मी और जान की बाजी भी हार गए। पिछले 5 साल से फुलू नामी नवाजा शरीफ फुलू हंजरा हमारे जीना मरना उसने हराम किया हुआ है। ना कोई स्कूल जाने को तैयार है, बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके वालिद से वो तवान मांगते हैं, अगर तवान ना दे तो उनको बच्चों को स्कूल से उठा लिया जाता है। अगर कोई ताजर उसको भत्ता ना दे तो शाम से पहले उसकी दुकानें जला देते हैं। ये मालूम नहीं है कि उसकी हमदर्दी कर रही है या खौफ ज्यादा है, ये तो पुलिस का काम है कि उसको पकड़े। शुरका का मजीद कहना था कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमें यहाँ पर इंसाफ न मिला तो हमारा अगला पड़ाव पार्लियामेंट के सामने होगा। कैमरामैन आबिद के साथ जाहिद मकबूल, रोज न्यूज सरगोधा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। खुशामदीद खान का टोकरा में मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। IIT मोटरवे सैयद कलीम इमाम ने खसूसी शिरकत की। खानकर डोगरा मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। रोड सेफ्टी सेमिनार में इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम, SP मोटरवे साउथ 2 मकसूद डोगर व दीगर अफसरान व अमले ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सैयद कलीम इमाम ने कहा, मोटरवे पुलिस मुल्क में रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार ला रही है और वक्त का तकाजा है कि मौशे के तमाम मकातब फिक्र इस जिम में किरदार अदा करें। रोड सेफ्टी हम सब की जिम्मेदारी है। IG मोटरवे पुलिस ने सेक्टर इंचार्ज मकसूद डोगर के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया और मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ की। साबिक रुकन पंजाब असेंबली मलिक तनवीर असलम सैती ने कहा कि वफाकी बजट को अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता। वो निजी कॉलेज में मुनक्कित तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर पोजीशन होल्डर्स तुलबाद में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। तफसीलात चकवाल से मोहम्मद खान आकिल की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर रुकन पंजाब असम्बली मलिक तनवीर असम सेठी ने कहा है कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में जो बजट पेश किया है इसका मुकम्मल मुताला तो नहीं किया मगर इसे अवाम दोस्त बजट नहीं कहा जा सकता। वो निजी कालम में MBBS की चार तलबा जिन्होंने हाल ही में डिग्री हासिल की उनके एजाज में मुनक्ता तकरीब से खिताब कर रहे थे। साबिक सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि पंजाब असम्बली में नून लीग के मेम्बरान की खासी तादाद मौजूद है। पंजाब असम्बली में हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया जाएगा अपोजिशन भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करेगी जबकि आला अदलिया की तरफ से बलदियाती इदारों के बहाली के बाद इन्हें फंक्शनल न करना इंतहाई ज्यादती है। अगर आप सरकारी मुलाजमीन की बात करें उनकी सिर्फ 10% सैलरीज बढ़ाई गई हैं जबकि हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% से बहुत ज्यादा है जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ज्यादती है और बहुत सारी ऐसी चीजें पेश की गई हैं जो सारी ऑप्टिमिस्टिक है। ग्रोथ रेट के बारे में भी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। टैक्स का रेवेन्यू का भी हदफ इतना बड़ा रखा गया है जो पिछले साल भी अचीव नहीं हो सका। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद मुनीर अहजर शाह ने कहा कि हमारे कॉलेज का ये बहुत बड़ा एजाज है कि हमारे चार तलबा ने MBBS की डिग्री हासिल कर दी है जबकि डॉक्टर डॉक्टर मिशाल फातमा डॉक्टर मनायल डॉक्टर अमारा बशीर डॉक्टर उमा अरशद को गोल्ड मेडल पहनाए तारीफी इस्नाद पेश की गई। जिन दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया इनमें चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद मुनीर अहजर शाह अजीम समाजी कारकुन राजा मुजाहिद अफसर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा काजी मोहम्मद अकबर डॉक्टर कर्नल शबीर सैयद नजमुल इस्लाम हाशमी साबिक सूबाई वजीर मलक तनवीर असलम सेठी और प्रिंसिपल उमैरा अशरफ शामिल है जबकि दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। उनमें मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुस्तजाब हैदर ख्वाजा असकर फारूक एडवोकेट चौधरी अमजद ETO शामिल है। कैमरा टीम के अमरा मोहम्मद खान आकर रोज न्यूज चकवा। दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ज़ीशान खानजादा खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश करके साबित कर दिया कि PTI की हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने में दिलचस्पी रखती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मर्दान प्रेस क्लब में नई इमारत का संगे बुनियाद रखते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पहली तरजीह अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना है जिसके लिए सारे पाकिस्तान में सेहत इंसाफ कार्ड का आगाज किया जा चुका है जिससे सारे शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से ज़ीशान खानजादा ने कहा कि बजट में 12 अरब रुपये स्मॉल इंडस्ट्री के लिए रखे गए हैं। MP इफ्तिखार अली मशवानी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफा मर्दान प्रेस क्लब से मोहल्लिका ऐसी इमारत बनाई जा रही है जिससे प्रेस क्लब को रेवेन्यू मिल सकेगा। शाहकोट के किसान और ताजिर बरादरी ने वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश करदा बजट को अवाम दोस्त करार देते हुए कहा कि किसानों को रिलीफ फराहम किया गया है। तफसीलात शाहकोट से अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। 2021 में जहां मुलाजमीन तनख्वाहें बढ़ने पर खुश हैं वहीं पर ताजर बरादरी और आम आवाम भी खुशी का इजहार कुछ यूं कर रहे हैं। 2021 जो बजट पेश किया गया है वो बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है जिसमें सबसे पहले तो ताजरों के लिए उन्होंने जो बैंक से पैसे निकलवाने पर टैक्स था वो जो खत्म किया है वो बहुत काबिल-ए-दीद है, उसमें ताजर बहुत खुश हुए हैं। और दूसरा ये जो गाड़ियाँ उन पर टैक्स खत्म किया गया है कुछ, और उसके अलावा जो छोटे मजदूर हैं उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है वो काबिल-ए-दीद। इस बजट में जो गाड़ियाँ सस्ती होंगी इंशाल्लाह इस पर टैक्स में रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है। उसके अलावा जिमींदारों को ये जो है ना गांव वाले बड़े खुश हैं कि इनके लिए जो है गंदम के रेट अच्छे हुए हैं। अभी आइंदा भी गवर्नमेंट जो रिलीफ दे रही है जिमींदारों को तो जिमींदार बहुत खुश हैं। कि जो PTI ने वाम दोस्त बजट पेश किया है इसमें जो खान साहब ने वादे किए थे, एक इसमें महंगाई की शरह बड़ी कम हुई है और इसमें जो गाड़ियों की कीमतों में वाज़ कमी आई है और इसके साथ साथ मैं यानी कि जो सबसे खुशाइन चीज़ है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया है। बजट में किसानों को रिलीफ देकर हुकूमत ने वादा पूरा कर दिया है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली और गैस के बिलों में भी कमी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ अतीकुर रहमान, रोज न्यूज, शाहकोट। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब असद रहमान गिलानी की ज़ेर सदारत रावलपिंडी में महकमा ज़राअत पंजाब की कारकर्दगी के लिए जायजा इजलास का इनेकाद हुआ। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब असद रहमान गिलानी का कहना था कि बरानी इलाकों में पानी को महफूज करने और हाई वैल्यू क्रॉप्स की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे आगाही फराहम की जाए। खित्ता पोटोहार से भरपूर पैदावार के लिए पानी के वसाइल बढ़ाने और जदीद आपाशी के निजाम के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ता पोटोहार की जमीन हमवार नहीं है जिसकी वजह से पानी को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ आबी तालाबों और मिनी डैम्स के मनसूबों की तामीर पर खसूसी तवज्जो देना होगी। सेक्रेटरी
मंत्री ज़रात ने कहा कि ताहाल महकमा ज़रात नाहमवारी की वजह से पोटोहार की जमीन में आपाशी के मसाइल को ड्रिप निज़ाम आपाशी के जरिए हल कर रहा है। इसके साथ पानी की बचत के लिए जारी दीगर मंसूबों की बरवक्त तकमील की जाए। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़रात पंजाब व डायरेक्टर ज़रात तोसी रावलपिंडी सज्जाद हैदर ने बताया कि इस साल काश्तकारों के तरबियती प्रोग्राम्स की वजह से रावलपिंडी डिवीजन में मुकर्रर हदफ से ज्यादा गंदम की पैदावार हासिल हुई। सज्जाद हैदर ने मजीद बताया कि अब तक किसान कार्ड की आगाही के लिए 1232 तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। खबर शामिल करते हैं भागड़ावाला से, जहां 1906 में तामीर होने वाला हाई स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। अहले इलाका का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर पंजाब से तामीर नो के लिए खसूसी फंड जारी करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात वाकिद अली चौधरी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल भागड़ावाला की बिल्डिंग को तामीर हुए आज 116 बरस बीत गए। क़याम पाकिस्तान से कबल 1906 में तामीर होने वाला इलाका भागड़ावाला का इकलौता स्कूल, जिसको 1926 में हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, अपनी वसी और ईज और खूबसूरत इमारत की वजह से डिवीजन भर में अपनी मिसाल आप है। बिल्डिंग खस्ताहाल और टूट फूट का शिकार है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े सारे का सबब बन सकती है। हर दौर में करप्ट और नाहल निज़ाम की वजह से यह कौमी विरसा आज बेबसी की अलामत बना किसी मसीहा का मुंतजर है। इमारत की दीवारें और छतें खस्ता हाल ही का शिकार हैं और इस इमारत में तलबा का दरस व तदरीस का अमल जारी रखना किसी बड़े हादसे को दावत देने से कम नहीं। हम एंटी तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं कि यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, हम किसी हादसे का सबब ना बन जाए। तो हमारी वज़ीर आज़म उस्मान गुज़ार साहब से दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल को तामीर करवाया जाए, ताकि हम स्कूल से अपनी पढ़ाई हासिल कर सकें और हम भी तो ज़्यादा खराब हो चुकी है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्लासेस में बैठे होते हैं, तो उनको वो जो है मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि हमें कोई हादसा पेश ना आ जाएगी, ऊपर से कोई बारिश का मौसम होता है या किस तरह मौसम की खराबी की सूरत में हमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि कोई कुछ मसला ना बन जाए। तो इसलिए खुदारा वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार साहब से गुजारिश करते हैं कि इस स्कूल की तामीर नो की जाए। कैमरा टीम के साथ रफाकत अली चौधरी, रोज न्यूज़, भागड़ावाला। सिंध की साहली इलाकों में पानी न मिलने और महकमा इरीगेशन की मिली भगत की वजह से गैर कानूनी कट के खिलाफ आबादकारियों की जानिब से महकमा इरीगेशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट करेंगे अतीक रहमान खत्री। जिला सजावल की साहली इलाकों में पानी की किल्लत और गैर कानूनी कट के खिलाफ आबादकारों का की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आबादकारों की जानिब से महकमा इरीगेशन के ऑफिस के सामने धरना दिया गया। महकमा इरीगेशन के इंजीनियर ने ताहाल गैर कानूनी कट बंद ना करा सके। अरे मेरा ख्याल है तो ये तकरीबन 100 में से 80% ये उनसे साथ मिला हुआ है। इंजीनियर कट के सामने पैसे ले रहा है, जो क्योंकि ये अगर इसके ऊपर इतना एक्शन नहीं लाया है गैर कानूनी कट, इसका मतलब यही तो ये उनसे मिला हुआ है, ये उनसे रिश्वत ले रहा है। जब हमारे से ही रिश्वत मांग रहा है 15 से 20 लाख रुपए इसके मोरी के कट जो ठीक करवाने के लिए, तो ये तो उनसे पैसे मांग रहा है, इसमें क्लियर बात है, ठीक है। और 10 बजे आज फिर भी इसने हमारे से वादा किया मैं आपको काम करवा के दूंगा, मगर हमें उम्मीद नहीं ये काम करवा के देगा। महकमा इरीगेशन के इंजीनियर गुलाम फरीद मेहमान से रोज न्यूज की टीम ने गैर कानूनी कट का सवाल किया गया तो उसने इनकार करते हुए कुछ इस तरह कहा कि मैं 2 घंटे से गैर कानूनी कट की वजह से उनके जवाब ना देने की वजह से आप जा रहे हैं? आ रहा हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है की उनकी मायूसी की वजह से आपसे कट नहीं बंद हुए, तभी आप जा रहे हैं, आपसे कट बंद नहीं हुए बाहर से लोगों के। कैमरा टीम के साथ अतीक रहमान खत्री, रोज न्यूज सजावल। न्यूज स्टूडियो से फिल्म ना ही आप देखते रहिए सिर्फ रोज न्यूज।